गुड मॉर्निंग फ्रेंड वेलकम टू मैन्यू एपिसोड सचिन तिलकर ब्लॉग आज हम जिस कंट्री के बारे में बात करेंगे फ्रेंड उस कंट्री का नाम है सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाइड सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाइड इज एन आइलैंड कंट्री इन कैरेबियन कैपिटल पे आते थे तो किंगस टाउन लार्जेस्ट सिटी पर किंगस टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश चलती है, है वहाँ पे रिलीजन पे एटी एट परसेंट क्रिस्चनिटी एफ्रेंड ठीक है हिंदुजम भी है फाइव परसेंट इस्लाम भी है टू परसेंट ठीक है फ्रेंड्स करेंसी है मैं बता दूं आपको ईस्टर्न करेबियन डॉलर है वहाँ पे ईस्टर्न करेबियन डॉलर चलता है तो वहाँ का एक डॉलर इंडियन का में लगभग थर्टी वन हो जाता है एन पॉपुलेशन पे आते तो है तो अबाउट वन लाख पॉपुलेशन है सेंट एंड मेनेड्स की ठीक है अभी हम आते हैं इसके ट्रेंडिंग जॉब्स पे ट्रेंडिंग जॉब्स पे फ्रेंड इसका जो फर्स्ट पे आता है वो है होटल इंडस्ट्रीज के लोगों के लिए ठीक है क्योंकि एक आईलैंड कंट्री है और टूरिज्म काफ़ी टूरिज्म है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड कैरिबियन से भी काफ़ी आते हैं वहाँ पे हॉलीडे स्पेंड करने के लिए ठीक है तो हॉटल इंडस्ट्री के बैकग्राउंड लोगों के लिए काफ़ी रिक्वायरमेंट्स है जैसे कि हो गया कैशियर हो गया हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट हो गया मैनेजर्स हो गया सुपरवाइजर हो गया ठीक है तो ये सब लोगों के लिए ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स है फिर हो गया रेस्टोरेंट्स में जो रेस्टोरेंट में स्टूगर वेटर्स होते हैं कैशियर्स होते हैं कैप्टनस होते हुए कुक शेफ़ इनके लिए ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स है ठीक है फ्रेंड्स उसके बाद है डायरेक्टली रिटेल इंडस्ट्रीज काफ़ी स्टोर्स है तो स्टोर्स में सेल्स एसोसिएट्स कैशियर फ्लोर मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन मैनेजर अकाउंटेंट तो ये सब के लिए ज़्यादा रिक्वायरमेंट है फिर हो गया होलसेल जो वेरहाउस है वेरहाउस के लिए भी रिकॉयरमेंट्स है काफ़ी वेरहाउस मैनेजर हो गया इन्वेंट्री देखने वालों के लिए उनके लिए भी है रिक्वायरमेंट्स फिर अकाउंटेंट के लिए है वहाँ पे स्कूल से तो टीचर्स के लिए है ठीक है प्यून्स के लिए है फिर रेस्टोरेंट्स हैं तो डिलीवरी बॉय जो होते हैं डिलीवरी करने जाते हैं ठीक है थेके? तो उनके लिए भी है वेयर हाउस में भी रिक्वायरमेंट्स रहती है डिलीवरी के लिए अगर फर्नीचर स्टोर है तो उसके उसकी फर्नीचर की जो डिलीवरी होती है वो देने जाना पड़ता है कस्टमर के घर पे तो उसके लिए भी चाहिए ड्राइवर्स ठीक है फ्रेंड्स तो ये सब है बाद में हॉस्पिटल हॉस्पिटल जो है उन उनमें भी काफ़ी रिक्वायरमेंट्स है जैसे नर्स हो गया बी एच एम एस डॉक्टर बी एम एस एम बी बी एस इनके इन लोगों के लिए भी प्रोफेशन के लोगों के लिए भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स है हेल्थ केयर वाले लोगों के लिए भी काफ़ी रिकॉयरमेंट्स है फ्रेंड्स ठीक है तो ये हो गया ट्रेंडिंग जॉब्स पे अभी हम आते सके क्राइम रेशियो पे तो क्राइम रेशियो में कंसिडर ए सेफ आईलैंड कंट्री है सेंट एंड ग्रेनेट्स लेकिन अगर आफ्टर सेवन एट के बाद आप अकेले जाते हो बाहर निकलते हो तो थोड़ा अवॉइड करें या ज्वेलरी या एक्सपेंसिव आइटम्स ना लेके जाइए वॉलेट में मिनिमम जो पैसे हो वो रखें या आप ट्रैवलिंग बाय कार करें या टैक्सी हायर करें वॉक अवॉइड करें रात को स्पेशली ठीक है फ्रेंड्स लेकिन ओवरऑल सेफ है कंट्री कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो ये क्राइम रेश हो गया ट्रेंडिंग जॉब्स मैंने बता दिया डिपेंडेंट इन वीज़ा भी हो जाएगा आफ्टर वन ईयर के बाद आप कंटिन्यूस जॉब करते तो आप आपके एम्प्लॉयर को आप कह सकते हो कि मेरी वाइफ और मेरे बच्चों को बुलाना है यहाँ पे तो आपके बिहाफ में वो आपका डिपेंडेंट वीजा आपके वाइफ और बच्चों का अप्लाई कर देगा ठीक है ठीक है फ्रेंड्स तो ईजिली हो जाता है आप टूरिस्ट वीज़ा पे जाके आप अपना वर्क वीज़ा भी कन्वर्ट करा सकते हो ठीक है कोई दिक्कत नहीं आपको सिर्फ जॉब ढूंढना है जॉब मिलने के बाद आपका एम्प्लॉयरी आपका टूरिस्ट वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर देगा फ्रेंड्स ठीक है तो ये भी क्लियर है तो ये तीन चीज़ मैंने क्लियर कर दी इसमें एक तो हो गया ट्रेंडिंग जॉब्स ठीक है क्राइम रेशियो भी मैंने बता दिया कंसिडर एस सेफ आइलैंड कंट्री रात को सिर्फ थोड़ा अवॉइड करें फिर हो गया डिपेंडेंट वीज़ा डिपेंडेंट वीजा भी मिल जाता है आपकी फैमिली को आप बुला सकते हो वर्क परमिट आप टूरिस्ट तो वीज़ा को हमें इंडियन को वीजा नाइवल है तो वहाँ पे वीजा नाइवल जाके आप जॉब ढूंढ के आपका टूरिस्ट तो वीज़ा कन्वर्ट कर सकते हो वर्क वीज़ा में फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है फ्लाइट रूट है मुंबई एम्स्टर्डम एम्स्टरडेम से बारबोडास बारबोडास से इंटर कैरेबियन एयरलाइंस लेके आप सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेड जा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो रूट भी बता दिए और कुछ भी डिटेल और कुछ भी आपको क्वेरीज रहेगा तो प्लीज़ कॉल मी मैसेज में आई विल डेफिनेटली हेल्प यू तो अभी नेक्स्ट एपिसोड में सचिन देगा है गुड वन बाय टेक केयर बाय